उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए एक ओर जहां सरकार के मंत्रियों से लेकर अफसर तक दिन रात तैयारियों में जुटे हैं, वहीं केंद्र की सरकार भी अब उत्तर प्रदेश को देश का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। मोदी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए समिट को और खास बनाया जा रहा है। इस समिट में मोदी सरकार के 21 मंत्री खुद उद्योगपतियों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में है। खुद चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा सारे कामकाज की निगरानी कर रहे हैं और पीएमओ से लेकर केंद्र सरकार के तमाम बड़े अधिकारी इस बार इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को करीब से देख रहे हैं। यूपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए मोदी सरकार की 21 मंत्रियों की टीम लखनऊ पहुंचने वाली है। इस लिस्ट में जिन नेताओं का नाम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और कई अन्य मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। इसके अलावा रेल, नागरिक उड्डयन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, केंद्रीय उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कई अन्य विभागों के तमाम बड़े अफसर भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जिससे कि उद्योगपतियों को हर विभाग से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सके और इस बात का भरोसा दिया जा सके कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है उसके लिए तमाम तैयारियां हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम पार्कों से लेकर रास्तों तक को सजाया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए राजधानी के तमाम होटलों को आरक्षित कर दिया गया है, जिससे कि किसी के भी यहां आने पर उन्हें कोई असुविधा ना हो। अफसरों की एक बड़ी टीम को उद्योगपतियों से लॉबिंग करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा लाइजन के लिए भी तमाम अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ में मेहमानों का पहुंचना 10 तारीख से शुरू होगा और अगले 3 दिनों तक लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी के पास ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इस आयोजन में तमाम उद्योगपति अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तमाम अफसर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी देंगे। इसके अलावा तमाम लोग इस बात पर भी मंथन करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री लगाकर यहां पर विकास किया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार भी तमाम उद्योगपतियों को मदद देगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे सरकार उनके लिए अपने दरवाजे हमेशा खोल कर रखेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।